रहमान रहीम। नव मौलूद बच्चे के कान में अजान और इकामत कही जाती है। सीधे कान में अजान और उल्टे कान में इकामत। गोया शुरू में ही बच्चे के कान में अल्लाह का नाम ले लिया जाता है ताकि उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरे। सवाल यह है कि ये अजान और इकामत क्या सिर्फ मर्द ही दे सकते हैं या औरतें भी अजान और इकामत कह सकती हैं? इसका जवाब यह है कि अगर मर्द हजरात मौजूद ना हो और औरतें नापाकी की हालत में ना हो, हैज़ व निफास की हालत में ना हो, तो फिर औरतें भी अजान और इकामत कह सकती। बेहतर यही है कि मर्द हजरात अजान और इकामत कहें, लेकिन अगर मर्द ना हो तो फिर औरतें बशर्ते के हैज़ व निफास की हालत में ना हो वो अजान और इकामत बच्चे के कान में कह सकती।